हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर इस वीडियो में मैं आपको सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज का जो हमारा चैप्टर चल रहा है द कंपनीज एक्ट 2013 उसको आगे कंटिन्यू कराने जा रहा हूँ गाइस हालांकि ये टाइप्स ऑफ कंपनीज़ में आता है वन पर्सन कंपनी बट फिर भी मैं इसको इंडिपेंडेंटली अलग से करवा रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि आप प्लस वन में भी जब ये टाइप्स ऑफ कंपनीज़ करते हो तो ये पोर्शन या ये पैराग्राफ एक फॉर्म में होता है तो इसको छोड़ देते हो लेकिन अभी आप सी फाउंडेशन में हो तो इसलिए आपके लिए इसको अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको अलग वीडियो में बनाया है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो सके कि वन परसेंट कंपनी एक्चुअल में होती क्या है तो क्या स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को द कंपनीज एक्ट दो हजार तेरह इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लास ऑफ कंपनीज विच कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाई अ सिंगल पर्सन सेक्शन टू सब सेक्शन सिक्सटी टू ऑफ दू हजार तेरह डिफाइंस वन पर्सन कंपनी ओ पी सी भी बोलते हैं एज ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज इट्स मैम्बर दिस टाइप ऑफ कंपनी हैज बिन इंट्रोड्यूसड टू इनकेज द एंटरप्रन्योरशिप एंड कॉरपोरेशन ऑफ द बिजनेस द प्रोसिजर रिक्वायरमेंट ऑफ वन कंपनी वन कंपनी आर सिंपलीफाइड थ्रू एग्जैम्पन्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इन कंपेरिजन टू द अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन तीन एक्ट ओपीसी इज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विदिनम पेड अपल शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड है और उसके बाद इसके सिग्निफिकेंट पॉइंट के हैं ओपीसी के की ओनली वन पर्सन एज मेंबर मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है The Memorandum of Association of OPC shall indicate the name of the other person who shall, in the event of subscriber's death or his incapacity to contract, become the member of the company. The other person whose name is given in the Memorandum of Association shall give his prior consent in the prescribed form and shall be filed with the registrar. Such other person may be given the right to withdraw his consent the member of opc may at any time change the name of such other person by giving notice to the company and the company shall intimate the same to the registrar any such change in the name of the person shall not be deemed to an alteration of the memorandum only a natural person who is in an indian citizen whether resident in india or otherwise एंड हैज स्टेड इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन वन ट्वेंटी डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ठीक है जी चलिए अब इसका दो पॉइंट रह गया वो भी कर लेते हैं नो पर्सन शैल बी इलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन वन पर्सन और बिकम नोमिनी इन मोर देन वन सच कंपनी सच कंपनी नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इन टू ए कंपनी अंडर द सेक्शन एट ऑफ द एक्ट बी कन्वर्टेड टू प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज इन सर्टन केसेस ठीक है गाइज तो गाइज ये था वन परसेंट कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन तो इसी के साथ ये टॉपिक तो कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि मैंने बिजनेस लॉ का सारा सिलेबस अपलोड कर दिया है ये ये बिजनेस लॉ के सेक्शन वन की पहली आ, न, आ, सारा ए पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया मेरे वीडियोस आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे ठीक है जी और इसके बाद हम पार्ट बी जो बिजनेस कम्युनिकेशन वाला है उसको हम करेंगे इस वीडियो के बाद वो मैं आपको अलग फोल्डर में या अलग प्ले में सेव कर दूंगा ठीक है हैगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज देखते रहें और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहें ओके जी विशिंग यू गुड लक